नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे PUBG फाइनली कब ऑफिशियली लॉन्च हो रहा है इंडिया में और साथ में 28 कंट्रीज़ में, क्योंकि पहले इंडिया में बैन कर दिया था, फिर नया सर्वर क्राफ्टो ने भी थोड़ा सा टाइम मांगा, फिर दिक्कत ये आई एंड्रॉयड के लिए हो गया था डेवलप, लेकिन iOS को वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे, ऐसा नहीं करना चाह रही थी कंपनी बिल्कुल भी कि पहले एंड्रॉयड्स के लिए दे दें बाद में iOS के लिए दे। तो गाइस फाइनली दोनों प्लेटफॉर्म पे आपको एक साथ देखने के लिए मिलेगा, किस डेट में मिलेगा। और बात की जाए 28 कंट्रीज़ में, मतलब इंडिया इंक्लूड है उसमें, तो 28 कंट्रीज़ में मतलब शेयर करेंगे और आप प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर पाएंगे। तो गाइज जो इसकी लॉन्चिंग डेट है ऑफिशियली वो आपको 29 और 30 अक्टूबर दी गई है, जो कि आपको एप्पल स्टोर पे और प्ले स्टोर पे दोनों पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, और आपको बता दूं कि ये टोटल 200 कंट्रियों में ये चल रहा है, और इसका जो फाइनली ऑफिशियल पेज है जिसमें हम टेक्निकल टेस्टिंग कहते हैं, तो 28 कंट्रीज में चल रही है, तो 11 से वो भी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब यह है कि अनदर कंट्रियों के भी डाउनलोड कर पाएंगे 11 नवंबर के बाद से। और इसमें और जो 28 कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें अभी तक नहीं चल रहा है, तो गाइस वो डायरेक्टली 29 एंड 30 अक्टूबर के बाद से डायरेक्टली डाउनलोड कर पाएंगे, जो कि गाइस बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको पहले यूज़ करने के लिए मिल जाएगा, और बाकी जो 11 नवंबर के बाद टेक्निकल टेस्ट जो 200 कंट्री आए उसके साथ आप जुड़ पाएंगे। अभी सिर्फ आप इंडियंस हैं तो आप 28 कंट्रियों के साथ मैचअप कर पाएंगे, लेकिन आपको 200 कंट्रियों के साथ जो कैचअप मिलेगा वो टेक्निकल टेस्ट के बाद, क्योंकि अभी इंडिया में लॉन्च किया है तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मतलब ग्लोबल सर्वर से आपको डायरेक्टली नहीं जोड़ेंगे, थोड़ा सा टाइम मांगा है उन्होंने 11 नवंबर, जो कि ज़्यादा नहीं है, मतलब अक्टूबर आज से बात की जाए तो ये वीडियो जो बना रहा हूँ मैं 22 अक्टूबर को बना रहा हूँ, और आपको रिसेंटली एक वीक के बाद मतलब नेक्स्ट वीक में आपको 29-30 को अपडेट मतलब डाउनलोडिंग के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, आप नॉर्मली यूज़ कर पाएंगे। और गाइस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मैं जो बताना भूल रहा था, और ये ऑल्सो PC के लिए भी अवेलेबल होगा, लेकिन MacBook के लिए अभी अवेलेबल नहीं किया है कि Mac के लिए इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको PUBG बैटल ग्राउंड PC के लिए भी इस बार देखने के लिए मिलेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। PUBG वालों ने पूरा मतलब बात की जाए एंड्रॉयड एप्पल एंड डेस्कटॉप को बिल्कुल नहीं छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है और PUBG के लोग ज़्यादा दीवाने हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और दोस्तों एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अब आपको नॉर्मली पहले वेपन मिलती थी, और यहाँ पे एक आर्मी ट्रक भी अपडेट किया गया है, जिसमें आपको दोस्तों ड्रोन एक्टिविटी भी मिलेंगी, मतलब आप ड्रोन भी कंट्रोल कर पाएंगे, आपके पास ड्रोन नहीं है तो भी आप उसे यूज़ या उड़ाना सीख पाएंगे, जो कि गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप ड्रोन को कैसे, और यहाँ पे गाइस पबजी में किस तरीके से फंक्शनैलिटी आती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। लेकिन गाइस आप इंटरेस्टेड है कि आप नॉर्मली बीटा वर्जन यूज़ करना चाह रहे हैं, तो ऑलरेडी मेरी वीडियो डली हुई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि आपकी हेल्प करेगी। लेकिन गाइस नेक्स्ट वीक के बाद आप डाउनलोड करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कि हाँ यार पबजी मिल जाएगा, जो कि बहुत दिनों से वेट चल रहा था, तो गाइस अब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तब तक गाइस बस एक छोटा सा काम कीजिए, और इसके बीच में कोई और इन्फॉर्मेशन आता है आपके साथ शेयर जरूर करेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।